हेलो फ्रेंड्स, आज हम अष्टमी का भोग तैयार करेंगे। इसके लिए दो कोली काले चने लिए और इसको रात भर भिगो के रखा प्रेशर कुकर में। इसमें हमने एक गिलास पानी डाल के इसको प्रेशर कुक किया और इसमें हल्का सा नमक भी डाल दिया। फ्रेंड्स, दो सीटी के बाद ये ऐसे बॉइल्ड होके तैयार हो गए और अब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। एक बर्तन में हमें सरसों का तेल अच्छे से गरम करना है और उसके बाद हमने जीरा, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक और जो हमने उबाले हुए काले चने हैं उनको अच्छे से फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसमें ये रेडीमेड चना मसाला और थोड़ा सा बचा हुआ सूखा धनिया और ऐड किया है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, कस्तूरी मेथी, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल लिया ताकि हमारे मसाले जले नहीं। फ्रेंड्स, फिर हमने पूड़ी की तैयारी की। उसके लिए दो कोली हमने मैदा लिया, आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, थोड़ी ज्वैन डाली, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला और इसको थोड़ा सा रिफाइंड डाल के इसको अच्छे से हमने गूंथ लिया। फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको आराम से गूंथ दीजिए और इसको साइड पर रख दीजिए। तब तक मैंने पूड़ियाँ बेल ली और साथ में मेरा रिफाइंड भी काफ़ी गर्म हो गया और काफ़ी तेज़ जब गर्म हो गया तो मैंने उसको स्लो हीट में रख दिया और देखिए हमारी पूड़ियाँ आराम से फुल के बाहर आ रही थी। फ्रेंड्स, ये आप ज़रूर ट्राई करें, छोटे बच्चों को मैदे की पूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अब हम हलवा बनाएंगे। उसके लिए हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके स्लो कर देंगे और इसमें हम एक कोली सूजी डालेंगे और इसको बिल्कुल स्लो हीट में बिना घी के ही भुनेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर ये हलवा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इसमें हम इलायची पाउडर या इलायची कूट के डालें जैसे आपको अच्छी लगती हो और इसको बस हल्के हाथों से अब आप इसको स्लो हीट में भूनते रहें। आधा कोली मैंने इसमें शुगर डाली है और मैंने 2 कप पानी भी गर्म करने के लिए साइड पर रखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये जब अच्छे से भून जाएगी, देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। मैंने सौंगी, बादाम और काजू ही डाला है, आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर अच्छा सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें सिर्फ 1 ही चम्मच देसी घी का डालेंगे और अब इसको अच्छे से हिला लेंगे और क्योंकि ये सूजी अच्छे से भुन गई है तो ज़्यादा घी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें गरम पानी जो हमने किया हुआ है वो आस्ता आस्ता डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि सूजी अभी प्रॉपरली गली नहीं है तो आप 1/2 कप पानी और भी डाल सकते हैं और इसको आप स्लो हीट में ढक दीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनने वाला है। इसका पानी भी काफ़ी सूख गया है। फ्रेंड्स, अष्टमी की थाली तो तैयार हो गई है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।